एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस। हम आज एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने में काफी असरदार है। मार्केट के अंदर जो ये फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, इसका नाम है ZRX प्लस जेल। अब आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इसके कॉम्पोजिशन से। तो इसके अंदर एशियन सेंटिला एशियाटिका एक्सट्रैक्ट होता है, इसके अंदर क्यूक्यूम्बर एक्सट्रैक्ट होता है, इसके अंदर हॉर्स टेल होती है, कार्बोमर होता है और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट होता है। दैट मींस कि ये एक बेसिकली एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ये एक मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है और एक एंथुसियाज्म जो होता है उसको बेसिकली ये मेंटेन करता है, और जो वाइटलिटी है बेसिकली जिसकी वजह से एलिवेशन और एनहेंसमेंट बढ़ता है, एक हम कहें तो जो ओवरऑल एक मेल की परफॉर्मेंस होती है सेक्सुअल एक्टिविटी में, ये उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हेल्पफुल रहता है, पुअर इरेक्शन को जो है ये एनहेंस करता है कि जिससे कि स्ट्रॉन्गर इरेक्शन हो सके। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सेक्स स्टैमिना जो होता है उसको बूस्ट अप करता है, साथ ही साथ पेनिस की थिकनेस को बढ़ाता है और जो एक मेल की स्ट्रेंग पावर होती है सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल डिजायर की, उसको भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आपको बेसिकली एक स्मॉल क्वांटिटी में ये जेल या ये क्रीम आपको अपने हाथ पे लेनी होती है, उसके बाद आपको ये अपने जेनिटल एरिया पे या जो आपको प्यूबिक एरिया है वहां पर लगाना चाहिए, और जो आपका एक हेड है पेनिस का उस पे लगाना चाहिए, लेकिन जो ओपनिंग होती है पेनिस की वहां पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। और साथ ही साथ आपको इसे जेंटली रब करते रहना है 30 से 60 सेकंड के लिए, और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना है, या फिर जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा उसके अनुसार आपको इसकी डोज लेनी होती है, उतनी क्वांटिटी में आपको ये जेल या क्रीम लगानी होती है। अब बात करते हैं कि इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। जब भी आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें उससे पहले इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सनलाइट से कभी भी एक्सपोज ना करें, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, और ध्यान रहे ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, और जो डॉक्टर आपको डोज रिकमेंड करेगा उससे ज्यादा डोज आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना ZRX प्लस जेल या क्रीम के बारे में। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।